गाइस एंड वेलकम टू जीनत क्रिएशंस। और आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे फटाफट से और बनाएंगे ये प्यारी सी हैंडमेड रेजिन राखी। तो चलिए सबसे पहले अपना सामान इकट्ठा कर लेते हैं। वी हैव टेकन रेजिन इन टू डिफरेंट ग्लासेस, ओके, डिस्पोजेबल कप्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं और दो डिफरेंट ग्लासेस में हमने रेजिन पो किया है। और मैं आपको साथ के साथ मेजरमेंट भी बता देती हूँ। अगेन हमने 15 ग्राम एंड 15 ग्राम अलग अलग किया है रेजिन का। 15 ग्राम कैसे, 5 ग्राम ऑफ रेजिन हार्डनर एंड 10 ग्राम्स ऑफ रेजिन इन वन कप एंड इन अनदर ऑल्सो द सेम, ठीक है। एक में हमने ग्रीन कलर का पिगमेंट, ओपेक पिगमेंट डाला है और दूसरे में हमने गोल्ड फ्लेक्स डाले हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद द टिप इज दैट कि आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखें। यहाँ पे वीडियो स्पीड हो रखी है इसलिए आपको लग रहा है कि रेस्ट पे नहीं रखा है। हमने पहले भी रेजिन को मिक्स करके उसको अच्छा खासा 10 मिनट्स के लिए है ना रेस्ट दिया था ताकि उसके सारे बबल्स बाहर निकल आएँ। जो नेचुरली बबल्स बाहर निकल के आते हैं वो ज़्यादा सही रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम उसमें बबल रिमूवर डालते हैं, बिकॉज बबल रिमूवर के अलग नुकसान भी होते हैं, क्रैक्स वगैरह पड़ जाता है, सही से सूखता नहीं है रेजिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाफ एरिया में हमने रेजिन राखी के हमने जो है ग्रीन कलर पिगमेंट डाल दिया है। अब क्योंकि थोड़े से बबल्स मुझे दिख रहे थे मैंने थोड़ा सा बबल रिमूवर डाला और जो बाकी हाफ एरिया है उसमें हम ये गोल्ड फ्लेक्स वाला जो है रेजिन पो कर देंगे। बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है, बहुत ही स्पीडी वे में मैंने बनाया है ताकि आपको बिल्कुल भी ना आपका टाइम वेस्ट हो और आपको हर एक चीज़ जो है सही से समझ आए, ठीक है। यहाँ पे भी मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है, बबल्स को देख लेना, अगर बबल्स हैं तो बबल रिमूवर डाल देना और सूखने के बाद आप देख पाओगे कि जो इसका शेड है हल्का सा चेंज हो गया है। सो अब हम लगाएंगे इसमें स्टिकर्स। हमने ये मेटालिक स्टिकर्स कुछ मंगा रखे थे, ये स्टिक हो जाते हैं डायरेक्टली है ना, ये वाले स्टिकर्स जो हैं। तो हम इसमें ना दो लुम्बा भाभी लुम्बा भी बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमने हॉरिजॉन्टली इसको लगा दिया है और बाकी सब में हम इसको वर्टिकली जो है लगा देंगे अपनी राखी में, भाई की राखी जितनी भी होंगी उसमें तो सिंपल ही लगना है। हाँ, अगर आपको देखना है कि हमने ये लुम्बा कैसे बनाया तो इसकी मैंने कुछ रील्स डाली हुई हैं इंस्टा पे। इस वाली राखी का मैंने जो लुम्बा है उसकी फ़ोटो मैं क्लिक नहीं कर पाई थी बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें बाहर जानी थी शिपिंग के लिए। बट उसका मैंने ब्लू शेड में एक राखी बनाई थी जिसका मैं ट्यूटोरियल नहीं बना पाई, उसका मैंने राखी लुम्बा की और इसकी वीडियो की रील्स मैंने बनाई हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर लेना और वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो कि ये लुम्बा हमने फिर बाद में कैसे बनाया, इसमें कैसे हमने पर्ल्स वगैरह डाले हैं, है ना। और इसी तरीके से सारी राखी में हम फटाफट से सारे स्टिकर्स लगा चुके हैं। अब इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे, एक पतली सी लेयर इसमें जो है रेजिन की डालेंगे। ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी बाहर ना निकले मोल्ड से रेजिन। और ये गलती से एक रह गया था तो मैंने ये बाद में लगा दिया, ऑल दो ये रेजिन के ऊपर लगाया था बट क्योंकि ये स्टिक तो नहीं हो पाएगा अब, बट स्टिल अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको सही जगह पे प्लेस कर देंगे तो ये भी सही से बन जाएगा। और क्योंकि मैं रिजल्ट्स देख चुकी हूँ सो आई नो कि ये एकदम सही से सेट हो गया था, हमारी ये राखी ख़राब नहीं गई थी। सो इसी तरीके से एक पतली सी लेयर लगा लेंगे, अच्छे से हर जगह रेजिन को फैला लेंगे, अदरवाइज़ वो एक जगह पर ही क्लॉट सा हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे धब्बा सा लग गया हो। सो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको जो है डिस्पोजेबल स्टिक्स, जैसे हम आइसक्रीम स्टिक्स भी कहते हैं, इनकी हेल्प से हर एक कोने कोने तक रेजिन को लेके जाना है। फिर इसका बहुत ही ग्लासी इफेक्ट आता है और सनलाइट में ये बहुत ही अच्छी शाइन भी करती है। और जो आपके स्टिकर्स भी हैं ये भी अच्छे से उभर के आते हैं और इनका ना क्योंकि इन पर रिफ्लेक्शन पड़ता है तो बहुत ही अच्छा शेड देते हैं। तो ये फाइनली सूख चुका है, दोबारा इसकी जो लास्ट लेयर थी वो भी सूख चुकी है। और एक चीज़ मैं आपको और टिप देना चाहूँगी, जब हम फर्स्ट लेयर बनाते हैं रेजिन की उसको कम से कम आपको 8 से 10 घंटे सुखाना है, और जब हम ये सेकंड लेयर एक पतली सी लेयर डाल रहे हैं स्टिकर्स लगाने के बाद उसको आप मुश्किल से 4 घंटे भी रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको फाइनली अनमोल्ड करके जो है इसके ऊपर पेंट मार्कर से इसकी आउटलाइन कर सकते हैं। मुझे हमेशा से गोल्ड मार्कर ही पसंद है और क्लाइंट्स को भी मेरे ज़्यादातर गोल्ड ही कलर पसंद आता है। यहाँ पे जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि मार्कर ना ऊपर नहीं दिखना चाहिए राखी के, सिर्फ बॉर्डर पे लगाना, तो हमने उसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाया है ये।
सिर्फ बॉर्डर पे हमने जो है पेंट मार्कर लगाया है, और इसी तरीके से एकदम सेम इसी तरीके से हम लोग सारी राखी में जो है बॉर्डर कर चुके हैं। आप देख पाओगे कि कितना प्यारा बॉर्डर इसका लग रहा है। ये इसको ना ऐसी फिनिशिंग दे देता है जैसे एक मेटल का बैकग्राउंड लगा रखो। बस इसमें हम धागे डालेंगे और थोड़े से पर्ल्स लगाएंगे और देखो कितनी प्यारी राखी बनके तैयार है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कॉमेंट से अपना प्यार दिखाइएगा, और आपके कॉमेंट्स ही हमारी रियल मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम आगे वीडियोज़ ला पाते हैं। डू कॉमेंट बिलो और बहुत सारा प्यार दो। रेजन रेसिपीज़ बाय ज़ीनत की प्लेलिस्ट में आपको रेजन के बाकी ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाएंगे। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑर्डर्स एंड क्वेरीज एंड क्लासेस के लिए। सी यू सून, बाय बाय विद अ न्यू वीडियो। टाटा।